हेलो और वेलकम, स्वागत है आपका वीएस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन नेचर रेसलर टी टेन मैच की। यह सीरीज का छठा मैच होगा जो कि बीआरडब्ल्यू वर्सेस एसएस के बीच में होने वाला। यह मैच 12 दिसंबर को रात के 12 बजे होगा। वेदर की बात की जाए तो हल्की बरसात होने की संभावना है। वेन्यू आपका विंडसोर पार्क रास्टो डोमिनिका वेस्ट इंडीज का मैदान रहेगा। पिच रूपर्ट बैलेंस विकेट है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 90 का रहेगा। बीआरडब्ल्यू की प्लेइंग इलेवन की बात की जाए, 17 स्टेफन नैथराम आप ओपनिंग करते हुए दिखेंगे बेंजीमन के साथ। दोनों ही बेहतरीन प्लेयर हैं, आपकी टीम में होने चाहिए। नैथराम ने फर्स्ट मैच में जो 40 रन बनाए थे और बेंजीमन ने 20 रन बनाए थे, दोनों ही खतरनाक प्लेयर हैं, कभी भी बड़ा धमाका कर सकते हैं, जो कि लास्ट मैच में नैथराम ने करके भी दिखाया है। 40 रन बनाए थे। जॉनिल की अगर बात की जाए तो नंबर 3 पे आते हैं, बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि बरसात हो रही है और हर मैच में लमसम बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ओवर कट रहे हैं, जिस वजह से इनको अपनी बॉलिंग का मौका नहीं मिला। वरुण मैथ्यू की बात की जाए तो नंबर 4 पे हैं। बैटिंग ऑर्डर हमेशा बदलते रहते हैं 10-10 ओवर के मैच में, तो अभी जो टॉप 3 है जिनकी बैटिंग आई हुई है उनका तो कन्फर्म है कि ये मतलब लास्ट मैच में इन्होंने इस नंबर पर बैटिंग की थी। बाकी आने वाले मैचों में कभी भी कन्फर्म नहीं रहेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करेगा। अगर वरुण मैथ्यू की बात की जाए तो लास्ट मैच में एक ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। जेम्स बैटिंग या बॉलिंग परफॉर्म नहीं, जॉर्ज परफॉर्म नहीं किया, और बर्टन जैसा मैंने कहा कि बॉलिंग ओवर कटने की वजह से इनको बॉलिंग या बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा, तो उस वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बेंजामिन ने एक ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। गिल्सन टॉयसन 2 ओवर फेंके जिसमें विकेट नहीं मिला। डायलन जोसेफ एक विकेट निकाला 2 ओवर फेंकते हुए, और हैमिल्टन ने एक विकेट निकाला 1 ओवर फेंकते हुए। स्टार्टिंग के ओवर मरवन मैथ्यू, डायलन जोसेफ, गिल्सन टॉयसन, फेविन बेंजामिन, कन्नावन हैमिल्टन। डेथ ओवर में डायलन जोसेफ, गिल्सन टॉयसन, मरवन मैथ्यू और हरमन हैमिल्टन आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इस टीम से आप किसको चुन सकते हैं? नैथरान, बेंजामिन, जॉनेल, मरवन मैथ्यू, ये आपकी टीम में होना चाहिए। इसके अलावा हैमिल्टन और गिल टॉयसन और फेविन बेंजामिन आप अपनी टीम में ले जा सकते हैं, जो कि आपको बैटिंग और बॉलिंग से मदद कर हेल्प कर सकते हैं। एसएस की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो कफी जेम्स ने पहले मैच में 39 रन बनाए, इनके साथ ओपनिंग करते हैं जनो लुइस, जो कि आपको बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। जनो लुइस लास्ट मैच में 5 गेंदें फेंकी जिसमें विकेट नहीं मिला और बैटिंग करते हुए 29 रन बनाए थे। इसके अलावा थ्रॉयन नंबर 3 पे आए थे, 13 रन बनाए थे। तो अगर आप कप्तानी या वाइस कप्तानी के लिए सोच रहे हैं तो लुइस मेरे ख्याल से कप्तानी के सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जो कि ओपनिंग कर रहे हैं, 29 रन बनाए और बॉलिंग भी फेंक रहे हैं, पूरे ओवर नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, जिस वजह से किसी भी प्लेयर को बैटिंग नहीं आ रही है, किसी प्लेयर को बॉलिंग नहीं मिल रही है पूरे, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। बर्टन कोई परफॉर्मेंस नहीं, जेबी परफॉर्मेंस नहीं। लिवरपूल की बात की जाए और बडाल की, अभी तक ओवर कम होने की वजह से, कटने की वजह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, और कुछ मैच में तो जो 7 या 6 ओवर का मैच होता भी है, तो डबल विक नियम से सामने वाली टीम या दोनों में से कोई एक टीम जो है मैच जीत जाती है, जिस वजह से अभी तक इनके परफॉर्मेंस या रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहे हैं। डेलन जोन्स की बात की जाए, हालांकि लास्ट मैच उन्होंने 1 ओवर फेंका जिसमें विकेट नहीं मिला। अंसलन ये भी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप देते हैं, लेकिन पर जैसा कि मैंने कहा ओवर कम हो रहा है, इनके परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है। लेवाना बैटिंग बॉलिंग चांस नहीं। डी पैन एन पैनल है, ये भी एक अच्छे बॉलर जो आपको अगर पूरे ओवर का मैच होता है तो बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। स्टार्टिंग के ओवर डेलन जोन्स, लुइस, एस एनसलम और एन पैन, और डेथ ओवर में भी आपको यही बॉलर नजर आएंगे। अगर इस टीम से बात की जाए तो आप किस प्लेयर को चुन सकते हैं? टॉप 3 आपको दिख ही रहेंगे जो मतलब वीडियो में, कॉफी जेम्स, जिनो लुइस और ट्रॉयन जो आपको नंबर 3 पे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप पैन और डेलन जोन्स को अपनी टीम में ले जा सकते हैं, एस एनसलम को अपनी टीम में ले जा सकते हैं, ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। एस एनसलम बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप मिलता है, तो आपको ऐसे प्लेयर को टीम में रखना चाहिए। अगर हम अपनी टीम की बात करें तो अभी तक हमारी ये टीम है, आप चाहें तो अगर सब प्लेयर खेलते हैं तो आप इस टीम से साथ खेल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप चाहें तो 22 कप्तान जो है
सैतराम को भी लेके जा सकते हैं वाइस कप्तान के साथ। जे इन जीवन, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग बैकअप मिल जाता है, तो उसी प्लेयर के साथ जाएं जिसके साथ आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप मिल जाता है। अगर सब प्लेयर खेलते हैं तो इसका टीम के जैसे जाया जा सकता है। वैसे बरसात होने के चांसेस हैं, तो हेड टू हेड की जगह आप मेगा खेलें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हो सकता है कि ओवरकम हो जाए तो उसमें आप हारने का एक चांसेस भी रहता है, और कोई हो सकता है कि मैच पूरा भी ना हो। डब्ल्यूएच लीग नियम से भी एक दो मैच पिछले लास्ट मैच जो है जीते गए हैं, अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।